हेलो क्लास एट स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता चल गया है कि आपके 14 डेट से एग्ज़ाम है, तो बच्चों जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम है वो होगा 24th of December। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, तो जल्दी से आप भी मेरे साथ साथ हिंदी का रिवीजन कर लीजिए, हिंदी सुरभि और हिंदी व्याकरण का। तो उसके लिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार के आपके पोस्ट मेट्रिक चैप्टर कौन से हैं, वो हैं चैप्टर 11 मित्रता, चैप्टर 12 टोक्यो से, और चैप्टर 18 अंधेर नगरी। ये आपके तीनों चैप्टर इस बार कॉस्मिड में है। तो इन्हीं चैप्टर्स का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम मित्रता निकाल लेते हैं पेज नंबर 72 पर। तो बच्चों हम इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे। संगति का गुप्त प्रभाव किस पर पड़ता है, आचरण पर। युवा अवस्था कैसी होती है, अपरिपक्व होती है, अपरिमार्जित होती है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। तो इसमें क्या है, हमारे तीनों ही विकल्प सही हैं। कैसे लोगों की बातें हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, कैसे जो दृढ़ संकल्प वाले लोग होते हैं उनकी बातें हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इसमें है ये उत्तम वैद्य में क्या क्या गुण होते हैं, उत्तम वैद्य निपुण और पारखी होता है। इसके बाद है हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, हमसे अधिक आत्मबल वाले। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की क्या होती है, निर्भर हो जाती है, क्या हो जाती है, सिर्फ सफलता निर्भर हो जाती है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक क्या है, औषधि है। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना बना सके, क्या बना सके, प्रीति पात्र। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें के लिए कुछ नहीं है, क्या खोने के लिए कुछ नहीं है। हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बना रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगति से की छूत से बचो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 12 जिसका नाम है टोक्यो से। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे आ जाइए, इससे पहले हम MCQ पे, टोक्यो से पहले लेखक ने क्या देखा था, हांगकांग। भूगोल की पुस्तकों में लेखक ने जापान के बारे में क्या पढ़ा, जापान में भूकंप बहुत आते हैं, लोग लकड़ी के छोटे छोटे मकान बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी सही हैं। इसके बाद आ गया एफिल टावर कहाँ है, फ्रांस में। टोक्यो किस द्वीप पर बसा है, होन्सू द्वीप पर बसा है। टोक्यो का प्रसिद्ध चिड़ियाघर कहाँ है, युइनो पार्क में। इसके बाद रिक्त स्थान आ गए। विमान को उतारने में लगभग 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि कोई हवाई पट्टी खाली नहीं थी। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, जापान में डैश बहुत आते हैं, क्या आते हैं, भूकंप। जापान के दो बड़े नगरों कौन कौन से हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। जापानी रेलगाड़ियां अपनी तेज गति और सुव्यवस्था आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। हम दूसरों की अच्छी बातें जरूर ग्रहण करें, लेकिन उनकी क्या ना करें, बंदर नकल ना करें। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है हमारा 14 जिसका नाम है अंधेर नगरी। ठीक है बच्चों, अंधेर नगरी और चौपट राजा हो गया था ना। नगर को सुंदर देख गुरुजी को क्या लगा कि यहाँ सबसे अच्छी भिक्षा मिलेगी, यस। सब कुछ टका शेर बिकते देख गुरु चेला प्रसन्न हो गए, रोंग। फरियादी की भेंट दीवार के नीचे दबकर मर गई नहीं। कोतवाल की सवारी की भीड़ भाड़ में गडरिए ने बिस्ती को बड़ी भेंट दे दी, गलत। टके शेर मिठाई खा कर गोवर्धन दास मोटा ताजा हो गया था, राइट। स्वर्ग जाने के लालच में कोतवाल फांसी पर चढ़ गया, ये भी रोंग है। इसके बाद आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटापत मात, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। भिक्षा मांग कर पैसे लाए हूँ, कितने पैसे लाए हूँ, 7, और 3.5 क्या है, दे दो मिठाई। मैं तो जाता हूँ, पर कभी पड़े तो याद कर लेना, क्या पड़े, संकट। हम लोगों ने महाराज से की क्या की, अर्ज की है। इसके बाद है इस समय ऐसी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, ऐसी क्या है, ऐसी शुभ घड़ी है।
ठीक है बच्चों, तो इन तीनों चैप्टर्स की आपको बुक वर्क याद करना है, उसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, ठीक है बच्चों, जो आपके कौन से हैं अति लघु और लघु वाले क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से अपना रिवीजन करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।